हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके सामने लाया हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल या रिप्रोडक्टिव साइकिल, इसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले भी मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर मैं क्लास ले चुका हूँ और ऊजेनेसिस पर भी क्लास ले चुका हूँ। इसको जा कर के आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। ये कहता क्या है, एक साइकिल है जिसमें एक मेंस्ट्रुएशन से स्टार्ट करते हुए दूसरे साइकिल के दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक जो टाइम पीरियड होता है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। अगर इसको ग्राफ से समझो इस तरह, मान लिया मैंने दो साइकिल बना दिया, ठीक। फर्स्ट साइकिल में यहाँ पर मेंस्ट्रुअल फेज होता है, सेकंड में प्रोलिफरेटिव या फॉलिकुलर फेज, थर्ड ओवुलेटोरी फेज, फोर्थ में सिक्रेटोरी या ल्यूटियल फेज, ठीक। तो ये और नेक्स्ट साइकिल का पहला मेंस्ट्रुएशन ले लो। तो फर्स्ट साइकिल, ये पहला साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट साइकिल का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है, यहां से लेकर के नेक्स्ट साइकिल का जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होगा, इसके बीच के टाइम पीरियड को कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज महिलाओं में 28 से 29 दिन का ये साइकिल चलता है, ठीक। तो एक यहाँ कंसेप्ट बताते हैं आपको कि अगर किसी महिला का 28 या 29 दिन का एवरेज रिप्रोडक्टिव साइकिल है तो इस साइकिल के 14 दिन पहले यानी मिडिल में 14 डेज पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है। यहाँ पर आपका ओवुलेशन होगा और एक वन ओवम ईच मंथ, प्रत्येक ओवरी से एक ओवम निकलता है 14 डेज पर। लेकिन अगर सवाल घुमा के पूछ दे आपसे कि अगर किसी महिला का मेंस्ट्रुअल साइकिल का एवरेज साइकिल का जो टाइम है वह है 34 डेज का होता है, तो इस 34 दिन में जो उसका 14 दिन जो पहले होगा डेट इज 20th डे। अगर 34 डेज के 14 दिन पहले देखो तो यानी 20th डे पर जाकर के क्या होगा, आपका ओवुलेशन होता है, ठीक। ये कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन घुमाकर आपसे पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में 28-29 दिन का दिन दिया हुआ है। अगर कभी एग्जामिनेशन का दिमाग घूम गया तो क्या करेगा, 34 दिन का भी देख करके पूछ देगा कि ओवुलेशन कब होगा 34 दिन के साइकिल में। यहाँ तक आशा करता हूँ सारे बच्चे का कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, बता दूंगा जवाब कमेंट सेक्शन में। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ होता है, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल खास करके फीमेल प्राइमेट्स में होते हैं। प्राइमेट्स क्या है, प्राइमेट्स जो यहाँ पर मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं वो क्या है, प्राइमेट्स है। इसमें आते हैं मंकी, एप्स और ह्यूमन बींग्स। जो नॉन प्राइमेट्स है, नॉन प्राइमेट्स, इसमें आते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स। ये याद रखिएगा कि प्राइमेट्स नॉन प्राइमेट्स में क्या, नॉन प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, वो है काऊ वगैरह में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब एडल्ट फीमेल प्यूबर्टी अटेंड करती है उस समय जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग जो होती है, फर्स्ट ब्लीडिंग, उसी को कहते हैं मेनार्क। और ये मेनार्क इस बात को बताता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो चुका है। क्या यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो। कोई दिक्कत किसी को, आशा करता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फैक्ट्स मैंने बता ही दिया। दूसरी बात कि इस रिप्रोडक्टिव साइकिल में दो फर्दर साइकिल होते हैं, ओवेरियन साइकिल्स आते हैं और यूटराइन साइकिल्स। मतलब ओवेरियन साइकिल्स में क्या होता है कि आपके ओवरी में कोई चेंजेस चल रही हैं तो उसको बोलते हैं ओवेरियन साइकिल्स। दूसरा होता है यूटराइन साइकिल्स, जिसमें अगर यूट्रस में कोई चेंजेस है उसको बोलते हैं यूट्राइन साइकिल्स, ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
आ रही बात समझ में? दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डाल के पूछ लो। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में दोनों आता है, यूट्राइन साइकिल्स भी आती है और ओवेरियन साइकिल्स भी आती है। आशा करता हूँ क्लियर हो, आगे बढ़ते हैं। अब इस साइकिल को चार फेज में बांटा गया है, जो चारों फेज आपके ओवरी में भी चलता है और आपके यूट्रस में भी चलता है। इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। यहां देखिए डायग्राम में देखिए, ये है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक। सेकेंड फेज होता है फॉलिकुलर फेज भी कहते हैं सेकेंड को, और प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं। यही समझ लो, फॉलिकुलर फेज होगा आपके ओवरी में, क्यों होगा समझाएंगे, ट्रिक से याद कराएंगे, टेंशन मत लो, ठीक। और प्रोलिफरेटिव फेज होगा इनकेस ऑफ यूटरस। क्या यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं, इजाजत है आपकी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा फेज है ओवुलेटोरी फेज, जो कि साइकिल के मिड में यहां होता है, ओव्यूलेटोरी फेज। ये ओवरी में होता है, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चौथा फेज को ल्यूटियल या सिक्रिटोरी फेज भी कहते हैं, ठीक। इसमें क्या है कि ल्यूटियल फेज होता है इन केस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, बताएंगे आप लोगों को पता होगा कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है, और सिक्रिटोरी फेज होता है इन केस ऑफ यूटरस। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो किसी को नहीं है? अगर दिक्कत तो हमें बता दें, जवाब आपको जरूर मिलेगा कमेंट सेक्शंस में, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, यानी इस मेंस्ट्रुएशन में जो मेंसेस है, जो ब्लीडिंग फेज है, देखिए इसमें यूट्रस में क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज में कि साइकिल यहां स्टार्ट होता है, इसमें ब्लीडिंग होती है, क्योंकि क्योंकि यहां पर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल लो है, देख सकते हैं ये हार्मोन्स के लेवल को, देखिए यहाँ प्रोजेस्टेरोन सॉरी यहाँ देखिए यहाँ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल काफ़ी लो होता है, इसलिए यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है। अब एक सवाल आया था आपके नीट यूजी में, उसने पूछा था कि मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है उसमें जो ब्लड का लॉस होता है, जो फ्लूड डिस्चार्ज होता है वजाइना से, वो कितना एमएल होता है? तो 40 से 80 एमएल के आसपास में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। आशा करता हूं इस बात को समझ में, नीट यूजी का पूछा हुआ सवाल है ये बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये मेंस्ट्रुएशन जो मेंसेस है, जो ब्लीडिंग फेज है, 3 से 5 मैक्स टू मैक्स 7 डेज तक रहता है, तो 3 से 5 7 दिन तक भी जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। अगर उससे ज्यादा है तो कुछ प्रॉब्लम है फीमेल में, ठीक। कारण बता दिया क्यों होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कारण होती है, ठीक है। फ्लो में जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जो फ्लो होती है, जो डिस्चार्ज होता है फीमेल के बॉडी से, उसमें कंपोजिशन क्या क्या है? उसमें ब्लड होगा, टिश्यू फ्लूड होगा, क्योंकि आपके यूट्रस का जो ये लाइनिंग, यहाँ यूट्रस का लाइनिंग दिखा रहा है, ये लाइनिंग है एंडोमेट्रियम लाइनिंग, यही लाइनिंग रप्चर हो जाता है तो यही टिश्यू फ्लूड में निकलता है, साथ में म्यूकस भी निकलेगा और एपिथेलियल सेल्स भी आती है। क्या यहाँ तक क्लियर है कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आया है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशंस? अगर दिक्कत है तो जवाब दीजिए, ये सवाल पूछिए, जवाब आपको मिलेगा, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ओवरी की बात करते हैं, यहाँ देखिए अगर आप पिट्यूटरी हार्मोन्स का लेवल देखेंगे ग्राफ में, देखिए ओवरी एफएसएस का लेवल थोड़ा हाई है यहाँ पर, तो क्या होगा कि एफएसएस के प्रेजेंस में ओवरी में फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जस्ट इनिशिएट कर देते हैं फॉलिकल सेल्स, यानी एपिथेलियल सेल्स होते हैं जिनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और इसी फॉलिकल्स में आपके क्या होते हैं प्राइमरी ओसाइट बनना शुरू हो जाते हैं, यहीं पर स्टार्टिंग कर दी जाती है। तो आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत किसी को तो कमेंट से लिखिएगा, जवाब जरूर मिलेगा। किसी किसी महिला में ना मेंस्ट्रुएशन फेज मिस हो जाता है, उनका मेंस्ट्रुएशन फेज रेगुलर नहीं रहता है, इरेगुलर रहता है, मिस कर जाती हैं, क्यों? एक तो कारण कि हो सकता है प्रेग्नेंट हो, प्रेगनेंसी हो गया तो मेंस्ट्रुएशन फेज मिस कर गई, या कभी कभी ऐसा होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रही है महिला, उनकी स्वास्थ्य सही नहीं है, हार्मोन्स का लेवल ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इस कारण से भी कभी कभी
जिसको पीरियड कहते हैं महिलाएं, उनमें मेंस्ट्रुएशन फेज मिस हो जाता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं, समझते हैं। चलिए दूसरा फेज है जो आपके सामने में है, वह है फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज। अब समझिए, ट्रिक सिखाता हूं कैसे याद करोगे बेटे। ओवरी में क्या हो रहा है? ओवरी में आपका फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, हाँ या ना? यस, ओवरी में फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। चूंकि ओवरी में फॉलिकल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए नाम पड़ा इस फेज का ओवरी में क्या? फॉलिक्यूलर फेज पड़ा नाम। क्लियर हो गया आई कंसेप्ट कहां से टर्म डिराइव हुआ था? ठीक है, अब बात करते हैं प्रोलिफरेटिव फेज का। तो मेंस्ट्रुएशन के बाद होता क्या है कि आपके यूट्रस में, आपके यूट्रस में इसी सेकेंड फेज में क्या होता है, यूट्रस में, यूट्रस का जो सबसे इनर लेयर होता है जिसको इंडोमेट्रियम आप कहते हो, इंडोमेट्रियम कहते हो, इस इंडोमेट्रियम की प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। इस इंडोमेट्रियम का सेल डेवलपमेंट होता है, थिकनिंग होती है इसका, इसमें वैस्कुलराइजेशन होता है, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स और ज़्यादा प्रोलिफरेट करना शुरू होते हैं। तो चूंकि यूट्रस में इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, उसके सेल में नंबर बढ़ रही है, ठीक है, इसीलिए यूट्रस में कहते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं यूट्रस में। आशा करता हूं आज के बाद कभी भूलोगे नहीं कि फॉलिकुलर फेज ओवरी में होता है क्योंकि ओवरी में फॉलिकल सेल्स है, यूट्रस में चलता है प्रोलिफरेटिव फेज क्योंकि यूट्रस का इंडोमेट्रियम वॉल में प्रोलिफरेशन होता है, उसकी ग्रोथ होती है। क्या यहां तक सब बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, जवाब जरूर देंगे हम आपको। तो इसमें फॉलिकुलर फेज जो चलता है उसमें क्या हो रहा है फॉलिकुलर फेज में? तो यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, यहां पर एलएच का सिक्रेशन और बढ़ जाता है और यहां पर प्राइमरी फॉलिकल्स फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखेंगे, यहां देखिए ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है और ये क्या है आपका फॉलिकुलर फेज। देखेंगे फॉलिकुलर फेज, देखो ओवरी में देख रहे हो, यहाँ आपका मैच्योर फॉलिकल, एकदम सबको स्क्रीन पर ध्यान दे बेटा, ये मैच्योर फॉलिकुलर डेवलप हो रहा है इनके सब क्या, आपका फॉलिकुलर फेज। और ओवरी और आपका यूट्रस में देखो, देख रहे हो यूट्रस में धीरे धीरे, ये देखो ये रेड कलर का जो है ना, ये रेड कलर का ये आर्टरी है और ये जो ग्रीन कलर का ये क्या है, वेन है, ठीक है। तो आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, आर्टरी और वेन का और ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, ब्लड वेसल्स बन रही है और ज़्यादा, इसकी थिकनिंग भी हो रही है, इसलिए इसको कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं इसको। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक बेटे। आगे बढ़ते हैं, सवाल है कि फॉलिकुलर फेज में ये बदलाव कौन ला रहा है? तो यहाँ देखिए फिगर में देखिए, यहाँ देखिए हार्मोन्स, यहाँ LH का सिक्रेशन हाई हो गया है, FSH भी चल रहा है। तो LH FSH क्या करता है, आपके ओवरी, आपके फॉलिकल सेल्स के डेवलपमेंट को फर्दर इन्हेंस कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। और ये LH FSH कहाँ से आता है बेटे? ये आता है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से आता है। आपके पिट्यूटरी में दो लोब है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, ये एंटीरियर लोब से आता है बेटे। कोई दिक्कत हो सवाल पूछ लीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें यूट्रस की बात करें तो यूट्रस में प्रोलिफरेशन हो रहा है, तो भाई सवाल ये है कौन करा रहा है यूट्रस के इंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन? तो पता चलता है एस्ट्रोजेन, और एस्ट्रोजेन जो कि ग्रोइंग फॉलिकल्स ग्रैनुलर से आ रही है, ये एस्ट्रोजेन क्या करता है, देखो यहाँ पर यहाँ देखो फिगर में देखो, एस्ट्रोजेन का सिक्रेशन यहाँ पर हाई है, ये एस्ट्रोजेन करता क्या है, यूट्रस के मेम्ब्रेन को क्या करता है, उसके उसका जो इंडोमेट्रियम जो वॉल है उसके वॉल को ग्रो कराता है, उसकी थिकनिंग कराया जाता है। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत हो हमसे पूछ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये फेज काफी वेरिएबल होता है, ये फिक्स नहीं होता ये फेज, याद रखिएगा बेटे। ये सवाल आ चुका है नीट यूजी में, दिखाएंगे अगले क्लास में लाएंगे पेपर, आपको सोल्व करके दिखाएंगे। ये फेज 6 से 13 डेज तक वेरी कर सकता है,
28 दिन के साइकिल में। ये फेस काफी ज्यादा वेरिएबल होता है, याद रखिएगा। नीट यूजी के पेपर में सवाल आ चुका है, पॉइंट टू बी नोटेड। चले आगे बढ़े, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरा फेज, ओवुलेटोरी फेज। यहाँ क्या होता है देखो, एकदम डायग्राम में देखो भैया, अगर डायग्राम देखोगे ठीक मिडिल में, ये मिडिल है, ये क्या है मिडिल, इस मिडिल पॉइंट पर देखोगे तो क्या है, यहाँ देखो अचानक से LH का सिक्रीशन काफ़ी हाई है, LH का सिक्रीशन काफ़ी हाई है। इस हाई सिक्रीशन को कहते हैं क्या, LH सर्ज कहते हैं, यानी हाई लेवल LH का बढ़ गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, यहाँ FSH का भी लेवल हाई बढ़ा हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी वक्त यहाँ से ग्राफीन फॉलिकल रप्चर करता है और यहाँ पर क्या है आपका सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे रिलीज हो जाता है। इसी वक्त एस्ट्रोजन भी काफी लेवल हाई पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर इंडोमेट्रियम का और ज्यादा उसके ग्रोथ को बढ़ाया गया, क्योंकि अब इंडोमेट्रियम को तैयार करना है कि अगर सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ बन गया और अगर ये फर्टिलाइज कर गया तो हमें आगे क्या करना है, हमको इंडोमेट्रियम को तैयार करना है ताकि फर्टिलाइज ओवम को यहाँ पर रिसीव कर सके और इसको यहाँ पर रख सके। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि ओवरी में क्या चला, अगर इसी समय आपका साथ में आपका यूट्रस में भी बदलाव होते जा रहा है, कोई दिक्कत हो यहाँ पर हमसे पूछ लो, दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। चौथा फेज है ल्यूटियल या सिक्रीटोरी फेज। अब देखो यहाँ क्या है, अगर थर्ड फेज के बाद, अगर थर्ड डायग्राम में देखो, अगर थर्ड फेज के बाद जो कि सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज होगा, जब सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाता है तो ये जो रिमेनिंग पार्ट जो बच्चा ओवरी का जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें थेका सेल्स भी होता है, कुछ ग्रैनुलोसा सेल्स भी है, ये सवाल आए हुए हैं नीट पेपर में, थेका सेल्स और ग्रैनुलोसा सेल्स जो बच जाते हैं ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, और ये पीला कलर का होता है, येलो बॉडी है क्या आपका कॉर्पस ल्यूटियम, क्या है येलो बॉडी है, ये याद रखिएगा, ल्यूटियम का मतलब ही होता है येलो बॉडी। कॉपी में बच्चे नोट डाउन कर लीजिए अभी के अभी कि आपका कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, पीला कलर का हो गया। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, चूंकि यहाँ पर ल्यूटियम बना है और यही ल्यूटियम आगे काम करेगा, इसीलिए ओवरी में क्या चला, ल्यूटियल फेज चला। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। और एट द सेम टाइम अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो यूटरस यहाँ क्या करेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स को सिक्रीट करेगा इंडोमेट्रियम वॉल से, इसीलिए यूटरस फेज में कहते हैं सिक्रीटोरी फेज। कुछ सिक्रीट हो रहा है, कुछ सिक्रीट हो रही है, न्यूट्रिएंट सिक्रीट हो रहा है ताकि यहाँ पर जब फर्टिलाइज ओवम रिसीव होंगे तो उनको खाने पीने के लिए चीज़ें मिलती रहे, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहे। आशा करता हूँ यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, कोई भी दिक्कत तो हमें जवाब दीजिएगा, हम आपको उत्तर जरूर दे देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या होगा, अब यहाँ एक बात और बताता हूँ जो नीट यूजी के पेपर में पूछ चुका है, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ओवुलेशन के बाद बना है, ये कॉर्पस ल्यूटियम इंडोक्राइन सेल की तरह बिहेव करता है, पॉइंट टू बी नोटेड कॉपी में, ये पेपर में आ चुका है नीट यूजी के पेपर में, क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे अगले क्लास में। इसमें पूछा है कि ओवरी का, ओवरी में कौन सा पार्ट है मतलब ओवुलेशन के बाद जो कि इंडोक्राइन सेल की तरह बिहेव करता है, ये है कॉर्पस ल्यूटियम, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजेन, रिलैक्सिंग और इनहिबिन भी रिलीज करता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा, आपका फर्टिलाइज ओवम जाएगा, यहाँ यूट्रस में क्या होगा, इम्प्लांट होगा। ठीक है, जब तक कि प्लासेंटा नहीं बन जाता है आपके, ये फर्टिलाइज ओवम में जब आगे बढ़ के एम्ब्रियो बनता है तब तक कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजेन को रिलीज करके ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेन दोनों का दोनों मिल करके क्या करेगा, इंडोमेट्रियम को मेंटेन रखता है, उसकी ग्रोथ को, उसके सेल को बरकरार रखता है ताकि आपका ओवम अच्छे से इम्प्लांट हो सके और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आगे बढ़ता रहे। ठीक है, क्योंकि आगे आपको बताएंगे कि आगे क्या होता है, फर्दर
कुछ दिनों के बाद जब आपका फर्टिलाइज ओवम फर्टिलाइज ये जब एम्ब्रियो डेवलप हुआ वह इम्प्लांट कर गया, तो जब इम्प्लांट कर जाता है और प्लासेंटा बन जाता है, तब ये प्लासेंटा करता क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम के काम को टेक ओवर कर लेता है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम का एक लाइफ स्पैन होता है, कुछ दिनों के बाद कॉर्पस ल्यूटियम खत्म हो जाता है और इसके काम को प्लासेंटा टेक ओवर करता है। जब तक प्लासेंटा नहीं बनेगा तब तक कॉर्पस ल्यूटियम का डिजेनरेशन नहीं होता है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन एक बात और बताता हूं, बात यह है अगर फर्टिलाइजेशन फेल कर गया तो क्या होगा, ये कॉर्पस ल्यूटियम आपके कॉर्पस एल्बिकेंस, देखो बताता हूं यहीं पर, कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन फेल कर गया। और एल्बिकेंस एक वाइट बॉडी होता है, उजला कलर दिखाई देता है, तो यह उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हुआ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन फेल कर चुका है तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से नीचे गिर जाएगा, तब इंडोमेट्रियम जो कि यूट्रस के, पता चलेगा कि भाई ब्लड में तो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन है ही नहीं, बेचारा क्या करेगा इंडोमेट्रियम, यहां से टूटना शुरू हो जाएगा और टूट करके आपका क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट फेज शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम वाल को टूटने से। आशा करता हूं इस बात को बड़े अच्छे से समझ पाए होगे, कोई दिक्कत समझने में नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत हुई होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जवाब आपको जरूर देंगे। इसी के साथ लेक्चर को अभी खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि जो मैंने बताया था सिक्रेटरी फेज में वो सारी बातें मैंने लिख दिया है, सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। और अगर प्रेगनेंसी किसी को हो जाता है तो क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन फेल करेगा तो क्या क्या होगा, अभी जो समझाया लिखा हुआ है कि कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल अचानक से लो चला गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए ग्राफ में ये लो हो गया, इसलिए मेंसेस शुरू हो गया, ठीक। अब एक सवाल आता है, व्हाट इज मेनोपॉज, तो ह्यूमन बींग्स में 50 साल के एज के अराउंड मेंस्ट्रुअल साइकिल परमानेंटली सीज हो जाता है महिलाओं में 50 साल के बाद, उसके बाद में सी कैन नॉट कंसीव, ठीक है, इसी को बोलते हैं मेनोपॉज, खत्म। और अगर साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, एकदम नॉर्मल चल रहा है, तो मतलब आपका रिप्रोडक्टिव फेज सही से महिलाओं में चलता रहता है मेनार्क से मेनोपॉज के बीच में। आशा करता हूँ इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर मिलेगा। मेरे सारे लेक्चर को रिवाइज करते रहिएगा, अच्छे अच्छे लेक्चर और डालेंगे, कंसेप्ट क्लियर करेंगे। और अगले क्लास में यहाँ फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन है तो इसको लेक्चर लेंगे, नहीं तो अगले क्लास में हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो नीट यूजी में आया हुआ है जिसमें ओजेनेसिस पढ़ा चुका हूँ पहले भी आपको, और आज पढ़ाया मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस दोनों से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल को मैं अगले क्लास में लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा और आपके सामने बनवाऊंगा कि देखूंगा कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर।